हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज हम ये सब्जी बनाने जा रहे हैं। कुछ अलग है, यूनिक है, ट्राई जरूर करना एक बार। टेस्टी और हेल्दी, टू इन वन है। इसके कोफ्ते जो है वो आप एज ए स्टार्टर भी ले सकते हो। सब्जी के लिए हम सामग्री देख लेंगे क्या क्या लगेगी। टमाटर का प्यूरी है, ये मैंने दो टमाटर का प्यूरी है, एक कांदा का प्यूरी है, बेसन 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बटाटा एक बॉईल करके मैश करके लिया हुआ है, ग्रेट करके लिया हुआ पनीर है, चीज़ है 1 क्यूब, 1 बाटी दूध और पालक। सबसे पहले हमने पालक को ब्लांच कर लेना है, इसीलिए गर्म पानी लिया है उबलता हुआ, उसमें पालक डाल देंगे हम। आप देख सकते हैं 1 मिनट जैसा टाइम हो गया ना, उसके बाद ये पालक ऐसे हो जाएगा। फिर इसे हमें बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल देना पूरे पालक। पालक हमारी बर्फ़ के पानी में डालने की वजह से जल्दी ठंडी हो गई है, तो इसको अभी हम पीस लेंगे ग्रेवी करने। हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल रखा है, इसमें 1 चम्मच बेसन जो लिया उसको भून लेंगे। अभी बेसन को थोड़ा लाल कर लिया, अभी हम इसमें ये प्योरी जो है ना पालक वाली वो डाल लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे, एकदम गाढ़ा बना देना है हमें, पानी पूरा सोख लेना चाहिए, इससे हम ऊपर का स्टफिंग बनाएंगे। जब पानी पूरा सोख लिया है ना, अभी एक आलू जो बॉईल किया हुआ था वो इसमें डाल के इसका एक थिक बैटर सा बना लेंगे। इसे हम अभी प्लेट में निकाल लेंगे जिससे ठंडा हो जाएगा। हम एक ग्रेवी रेडी कर लेंगे, जिसके लिए पैन में तेल लिया हुआ है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, इसे थोड़ा भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। कांदे की प्यूरी डाल देंगे हम और थोड़ा भून लेंगे। टमाटर की प्यूरी डाल देंगे हम, सारे मसाले कर लेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, पनीर का मसाला। ग्रेवी को हम अच्छे से भून लेंगे पहले। फिर इसमें थोड़ा नमक डाल के हम मिक्स कर लेंगे आटे का, जो डाउ जैसा बना है ना, इसमें ये स्टफिंग भरेंगे दोनों का। पहले इसे गोले बना लेंगे। ग्रेवी ने हमारा तेल छोड़ गया है ना, अब इस स्टेज पे हमें दूध डालना है एक बार और अच्छे से मिक्स करके लेना है और पकने देना है। एक प्लेट में चीज और पनीर सबको मिक्स कर लेंगे और गोले बना लेंगे हम। ऐसे हाथों से मैश करते जाना है और फिर छोटे छोटे गोले बना लेंगे। थोड़ा आटा है जो है वो कॉर्नफ्लोर वाला, आज जो है वो कॉर्नफ्लोर वाला कर लेना है, या फिर आपके पास चावल का आटा रहेगा तो वो भी ले सकते हो। और ऐसे ऐसे करके इसके अंदर ये चीज़ पनीर वाला जो गोला बनाया हुआ वो डाल के हम एक रोल रेडी कर देंगे ऐसे। ये एज ए स्टार्टर भी अच्छा लगता है। से गोला बना लेंगे सारे के सारे। इस तरह से सारे गोले रेडी करके अब हम इसे सेक लेंगे। अपन स्टैंड पर थोड़ा थोड़ा तेल लिया हुआ है, अब एक एक गोले को रख के सेक लेंगे। जब कोफ्ते एक साइड से पक चुके हैं उसको पलटी कर लेंगे, मस्त क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं ये अच्छे से सीक चुके हैं दोनों तरफ से। ये देखिए अब हम लोग सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। वाटी में ग्रेवी ली हुई है उसमें ये ऊपर रख देंगे हम। थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेंगे। देखिए कितनी कलरफुल और यूनिक रेसिपी लग रही है, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। एक बार जरूर ट्राई करो ये बना के, बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है।